Download the Z5 app now. हाल ही में आशिका भाटिया ने अपने ब्रेकअप का ऐलान किया था, वही अब आशिका भाटिया दिखाई दी अपने नए फ्रेंड के साथ। हमसे खास बातचीत में आशिका ने बताया अपने इस दोस्त के बारे में। बड़ा भी मेरी न्यू फ्रेंडशिप हुई है टीम नवाब से, तो बस बहुत क्लबिंग करती थी लाइक एवरी वीक, बट जब से ये हुआ है उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ। मैं वेब सीरीज कर रही हूँ तो वो आई गेस एप्स पे आएंगे। टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी ने हमसे खास बातचीत की फेजू और टीम 07 के बारे में। वी आर नो वन टू जज एनीवन, पहली बात तो ये। देयर इज अ इवेंट वी गोना प्लान जो रेड कार्पेट होएगा एंड उसके अंदर सब नाम डिस्क्लोज होएगा। ये है श्रीमती रानू मुंडल जो रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए दिखाई दी थी। उनका वीडियो वायरल हो गया था। बताया जाता है कि रानू मुंडल जी की आवाज लता मंगेशकर के साथ काफी मिलती जुलती है और वो रातों रात सिंगिंग सेंसेशन भी बन गई है और इनके हैरत अंगेज मेकओवर ने सभी को चकाचौंध कर दिया है। और अब रानू मुंडल जो सुपरस्टार सिंगर के मंच पर चार चांद लगाने आ रही है, इतना ही नहीं हिमेश रेशमिया ने तो इन्हें वादा भी कर दिया है कि वो रानी मुंडल जी को अपने फिल्म में गाना गाने का मौका देंगे। इस हफ्ते कपिल शर्मा के घर आने वाले हैं बाहुबली यानी प्रभास, जो अपनी फिल्म साहो को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर और नील नितिन मुकेश भी नजर आएंगे। नचबलिए सीजन 9 के आने वाले हफ्ते में उर्वशी और अनुज एलिमिनेट होने वाले हैं और ये बात उर्वशी को हजम नहीं हुई और काफी नाराजगी में उर्वशी ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू में बताया। After getting a standing ovation from almost 300 people on the set for a performance, which I know was way better than the marks we received, we get eliminated. Why did the judges need almost an half an hour to break to think about the score this time? They never did it in the last few weeks. I am someone who has survived in this industry through hard work. I cannot and will not stop myself from speaking against unfair behavior. Actor, entertainer and the artist in me say that we deserved better. We deserve to be treated fairly. यूं तो श्रद्धा अपने सीरियल कुंडली भाग्य में काफी सीधे साधे अवतार में नजर आ रही है, पर उनको एक शॉवर डांस में काफी हॉट अंदाज में पाया गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू को मिल गए हैं सोनू जी और वो है पलक सिद्वानी, जिन्होंने कल से शूट करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले सोनू के रोल में निधि भानुशाली दिखाई दे रही थी, पर अपने पढ़ाई के चलते निधि ने शो को अलविदा कह दिया। पंजाब में आए बाढ़ के कारण काफी लोगों को नुकसान हुआ, वही कपिल शर्मा ने लोगों से एक खास अपील की है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश की वजह से महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिस वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जरूरत है उनके साथ खड़े होने की। आपकी जरा सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। आप जो भी चाहें, जितना भी चाहें, अपनी क्षमता के अनुसार इन परिवारों की मदद कर सकते हैं। जेनिफर विंगेट का सुपरहिट शो बेहद एक बार फिर अपने नए सीजन के साथ वापस लौटकर आने वाला है और इस बात की खबर जेनिफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंट देते हुए बताया। रीम शेख के पैर आजकल सातवें आसमान पर है, अगर आप जानना चाहते हैं क्यों तो खुद ही सुन लीजिए। Hey there guys, Reem here. I am feeling really blessed to inform you all about my next project, which is a Hollywood project. The name is Forever Love. It's only gonna come on BLK Prime. Download the Z5 app now.